नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में एस्ट्रो भूषण। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की, जो 17 जनवरी को हो चुका है। शनि मकर से कुंभ में आए हैं और वो अभी वहाँ पे रहने वाले हैं मार्च 2025 तक, तो लगभग और 2 साल का समय है, बड़ा समय है। हम अभी तक सभी लग्न राशि को देख चुके हैं, बस एक लास्ट राशि बची है, मीन राशि या लग्न। कुंभ तक हम सभी वीडियोस बना चुके हैं और आज हम बात करेंगे मेष मीन लग्न या राशि के लिए शनि का परिवर्तन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपकी लग्न राशि क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या है, वो आप देख लीजिए। लग्न क्या है, राशि क्या है, उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, कुंडली कैसे देखे वो आप देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मीन वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो उनके 12th हाउस में हो रहा है। तो 12वां स्थान क्या है, विदेश का है, वहाँ से मोक्ष भी देखा जाता है, आपके खर्चे देखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो विदेश जाने के लिए, जो लोग विदेश के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए ये बेस्ट टाइम रहेगा। ये 2 साल में बहुत सारे लोग विदेश में सेटल होंगे। जो लोग विदेश में है उनको परमानेंट सेटलमेंट की तरफ, यानी PR ग्रीन कार्ड की तरफ वो लोग जा सकते हैं, उनको वो मिल सकता है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम अगर है तो वो डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी रखिए। अगर डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी नहीं है तो शनि वहाँ पे फिर आपको वो डिले करवाएगा, क्योंकि शनि पूरा क्रिस्टल क्लियर एक प्यूरिटी के साथ आपको आगे लेके जाना चाहता है। तो डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा डिले करवाएगा, बट वो आपके बेटरमेंट के लिए है। शनि जहाँ बैठता है उस भाव को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो विदेश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में ये शनि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। सभी मीन लग्न या राशि वालों के लिए विदेश से रिलेटेड, कई आप जॉब देख रहे हैं, बहुत दिनों से आप विदेश की कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, विदेश में आप अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे थे, आप ट्राई कर रहे थे, या सडनली ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी कंपनी बोले कि आपको ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है और आपको ये प्रोजेक्ट 2-3 साल का प्रोजेक्ट रहेगा, आपको विदेश की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डेफिनेटली परमानेंट कुंडली के प्लैनेट के हिसाब से, आपका जो पर्सनल चार्ट है उसके हिसाब से रिजल्ट्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट ये मोटा मोटी जो सबके लिए होने वाला है वो स्थान के हिसाब से क्या होने वाला है वो मैं बता रहा हूँ। अब वहाँ पे आपका व्यय का स्थान है, तो शनि आपको क्या करेगा, एक रीकैलकुलेशन करेगा, आपको सही जगह पे खर्चे करने को लगाएगा, या आपके सेविंग्स में बढ़ोतरी हो सकती है। सेविंग्स इन द सेंस, आज जो आप इन्वेस्ट करोगे वो आगे चल के आपको एक मुनाफा करके वापस आएगा। शनि आपको कहीं रॉन्ग होने नहीं देगा, आपके जो भी खर्चे रहेंगे वो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेंगे। कोई स्टूडेंट्स है तो वो पढ़ाई के लिए खर्चा कर सकते हैं, कोई बिजनेसमैन है तो वो अपनी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए खर्चा कर सकता है। खर्चे होंगे बट वो करेक्ट सही डायरेक्शन में होंगे। यहाँ से हम मोक्ष भी देखते हैं, तो मोक्ष यानी आप समझिए कि आपको एक मन की शांति होगी। शनि वहाँ से आने से आपका मन शांत होगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि हिमालय पर्वत पे जाके बैठना है, आपको आप जिस भी जगह पे हो वहाँ पे आपको एक मन की शांति होगी, एक एहसास होगा कि मेरे लिए जो चल रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी बेटरमेंट के लिए हो रहा है। तो आपके लिए शनि जिस स्थान में आ रहे हैं वहाँ पे तो बहुत अच्छा है, कोई हर्डल नहीं है। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। सबसे पहले शनि की तीसरी दृष्टि जो आपके दूसरे स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे है, वहाँ ये होने वाला है, वहाँ पे एक नंबर लिखा है मेष राशि है और मेष में शनि नीच के होते हैं। ये स्थान है आपका कुटुंब का, आपका परिवार, आपके सेविंग्स, यहाँ पे शनि आपको हर्डल दे सकता है। कुटुंब के लोगों के साथ आपकी कुछ अनबन हो सकती है, परिवार से आपको डिटैचमेंट हो सकती है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को इसके रिजल्ट्स मिलना चालू भी हो गए होंगे, कोई नौकरी के लिए बाहर जाएगा, स्टूडेंट से तो वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं, कोई भी रीज़न से आपको ये सब हो सकता है। तो
वो उसमें डरना नहीं है, आपको समझ के चलना, ये 2-2.5 साल का पीरियड है, ये आपके लिए ऐसा ही रहने वाला है। सेविंग्स जो है आपके, ध्यान रखिए मेष की, मेष राशि है, शनि नीच के हैं, आपके सेविंग्स गलत जगह पे ना हो, क्योंकि एक साइड शनि जहाँ बैठा है वहाँ पे आपके खर्चों में कंट्रोल ला रहा है, और यहाँ पे जहाँ पे दृष्टि डाल रहा है यहाँ पे आपके सेविंग्स पे इफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे आपके सेविंग्स पे इम्पैक्ट ना हो, उसको आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए। उसके बाद शनि की एक दृष्टि है 6th हाउस पे, यहाँ पे रोग रुन शत्रु वाला स्थान है। अब शत्रु यानी निगेटिव थिंग्स, आपके शत्रु आप जिनको अच्छा समझते थे वो शायद गलत है, ये आपको समझ में आएगा। जिनको आप बुरा समझते थे वो आपके लिए, आपके प्रति अच्छे भाव रखते, ये आपको समझ में आएगा। सडनली ये शत्रु, ये निगेटिव थिंग्स जो है सामने आएगी, और आपको मतलब समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है, बट शनि वो क्लैरिटी के साथ करना चाहता है। वहाँ पे ऋण यानी लोन, आपको लोन लेने नहीं है, कर्जों में नहीं पड़ना है, अदरवाइज ये 2.5 साल के बाद भी वो कर्जा आपको रीपेमेंट करना डिफिकल्ट जा सकता है। आप कोई भी चीज़ जो करोगे सोच समझ के कीजिए, लोन में आप ये मत जाइए, या आपकी जितनी कैपेसिटी है बहुत ज़रूरी होने पे ही ये सब चीज़ों में आप मतलब इन्वेस्ट या लोन लेने में आप सक्षम नहीं है, तो वो रखिए ही मत, ये 2-2.5 साल में वो कोई मन में रखिए मत कि लोन का कोई हिसाब मत रखिए। आगे यहाँ से रोग, यानी कोई ना कोई आपको ऐसी समस्या है, छोटी मोटी आएगी, बट जैसे एक स्ट्रेस बढ़ेगा, बीपी, ब्लड प्रेशर, वैसी समस्या कुछ आ सकती है आपको, कि शनि की दृष्टि की वजह से वो हो सकता है। बहुत बड़ा कोई ये नहीं है, बट आपको संभल के चलना है। उसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो 9th हाउस पे है, भाग्य का स्थान है, वहाँ भी वो भी मंगल की राशि है, बट यहाँ पे मंगल की दृष्टि खराब नहीं है। अब यहाँ पे ये होगा आपको कि आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, शनि रिजल्ट स्लो देगा बट बड़े देगा। जैसे आप चाहते थे कि मैं एक घर खरीदूँ, एक प्रॉपर्टी खरीदूँ, 2-3 महीने में मेरे को घर खरीदना है, मेरे को व्हीकल खरीदना है, मैं 5 लाख की व्हीकल खरीदूँगा, शायद ये हो सकता है कि आप 5 लाख की जगह 10 लाख की खरीदोगे, लेकिन 2-3 महीने में नहीं खरीदोगे, 7-8 महीने लगेंगे। सेम केस अगर आप जॉब में इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मुझे 5,000 रुपये इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन ये 1-1.5 महीने में होना चाहिए, तो शनि आपको 5 नहीं देगा, 15,000 देगा, लेकिन आपको वो 2 महीने में नहीं देगा, 6 महीने में देगा, 1 साल में देगा। शनि कुछ देगा, बड़ा देगा, कॉन्क्रीट देगा, क्योंकि वो कुछ चीज़ों में वो डिले करता है, बट वो आपकी बेटरमेंट के लिए रहता है। अब बात करते हैं परमानेंट कुंडली के प्लैनेट्स की। शनि जहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं और वहाँ पे परमानेंट कुंडली में अगर शनि है तो आपके लिए बेस्ट टाइम है, जो चीज़ें मैंने कही हैं, तो पॉजिटिव भी उतना ही मिलेगा, जहाँ पे मैंने संभालने को कहा है वहाँ भी आपको डबल प्रिकॉशन लेने हैं। शनि के साथ राहु अगर है तो ये विदेश का स्थान है, आप डेफिनेटली विदेश के योग और चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, बट राहु है तो आप थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ जाइए, आप किस वजह से जाना चाहते हैं, आपकी वजह आप सही होनी चाहिए, डायरेक्शन सही होनी चाहिए, बाकी योग तो ये आपके और बढ़ा देगा। अगर आप केतु है तो आप मोक्ष का भी स्थान है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ जाओगे, आपका मन पूजा पाठ मंत्र तंत्र इसमें रुचि आपकी बढ़ेगी, आपके स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट्स बढ़ेंगे, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहाँ पे अगर बुध है तो आपके लिए जॉब में अच्छा रहेगा, खास करके अकाउंट्स की फील्ड, जहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं ऐसी फील्ड, और दूसरा है आपकी, आप कोई चित्रकार है, आप म्यूजिशियन है, आप एक्टर है, तो आप सभी लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पे शुक्र है तो आपको आपकी लग्जरी में बढ़ोतरी करेगा, बट आपके जो खर्चे हैं उस पे थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शुक्र शनि की युति आपको खर्चे बढ़ा सकती है, उस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे अगर मंगल है तो आप थोड़ा सा संभलिए, मंगल लैंड का भी कारक है, भूमि और
प्रॉपर्टी का एक कारक है मंगल, आप थोड़ा सा वहां पे संभल के चलिए, मंगल की स्पीड है और शनि स्लो है, तो डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी कीजिए, खास करके अगर आप विदेश में प्रॉपर्टी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको संभल के रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे अगर चंद्र है तो आपको एक माइंड में एक डायलेमा रहेगा, मैं करूँ या नहीं करूँ, बट शनि आपको वहाँ पे संभाल लेंगे। शनि वो स्लो है, वो आपको, और चंद्र की स्पीड है, आपको ही थोड़ा सा काम होके, थोड़ा सा शांत होके, शांत मन से विचार करके डिसीजंस लेने हैं। तो ओवरऑल देखने से ये सभी के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। शनि के साथ अगर वहाँ गुरु है तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी या जहाँ जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, विदेश, इन सब में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि की वजह से प्रॉपर्टी वगैरह आपको पुरानी मिल सकती है, बट वो रॉयल रहेगी। शनि आपको कोई भी चीज़, शनि एक बुजुर्ग प्लैनेट है तो वो पुरानी चीज़ें देता है, बट वो पुरानी चीज़ें ऐसी रहती है कि निखर के आई हुई सामने है, वो उस प्यूरिटी के साथ वो रॉयल रहेगी, नए से भी अच्छी वो आपको देना चाहता है। तो आपको पुरानी चीज़ मिल सकती है, लैंड हो गई, कोई फ्लैट हो गया, कोई बंगलो हो गया, व्हीकल हो गया, पुरानी मिल सकती है बट अच्छी मिलेगी। ओवरऑल आपके लिए शनि का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।